हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास ये चाइना का 32 इंच एलईडी रिपेयर होने के लिए आया है। इसमें देखिए कोई लोगो नहीं है, ये एकदम चाइना है, लो क्वालिटी। आप देख सकते हैं लोगो इसमें नहीं है। और इसका प्राइस की बात तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह हुआ है, इसे मैं ऑन करता हूँ। स्टैंड बाय में है हमारा एलईडी, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। और रिमोट भी काफ़ी चारे मैंने यहाँ पे, देखिए सब कुछ यहाँ से मैंने प्रेस करके देख लिया है। दूसरा भी रिमोट यूज़ कर लिया है, और इसका रिमोट यहाँ पे है मेरे पास। यहाँ पे देखिए ऑन नहीं हो रहा है, देखिए इसमें रिमोट की दिक्कत है। और यहाँ से मैं पावर की को दबाता हूँ डायरेक्ट, इसे यहाँ पे देखिए स्मार्ट लिख के आ गया, ये ऑन हो गया है। अब ये रिमोट की दिक्कत है, तो मैं इसे पहले सेट को हम खोलेंगे, और खोल के सारे वोल्टेज सेंसर के देखेंगे, और सेंसर के वोल्टेज देखने के बाद इसमें हम सभी वोल्टेज देखकर हम चेक करेंगे क्या इसमें कंडीशन है। देखिए हमारा खुल रहा है आपके सामने, में रिमोट की को प्रेस कर रहा हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं रिमोट इसमें चेक करूँगा। देखिए आपके सामने रिमोट हमारा चल रहा है दोस्तों, लेकिन इसमें वर्क नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ से एलईडी को मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद फटाफट से ऑफ करते हैं, यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। ऑफ करने के बाद इसे खोलेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको इसका मॉडल नंबर तो नहीं है, स्टिकर लगा हुआ है, दिखा देता हूँ, ये सिंबल ही है। अब हम फटाफट से इसे खोल लेंगे। ऐसे सभी फटाफट से स्क्रू को रिमूव कर देंगे। इसका स्क्रू भी अच्छी तरीके से नहीं लगा है दोस्तों, ऐसा एलईडी आप मत खरीदिए। सस्ते वाला एलईडी आपको भारी पड़ सकता है। सभी को स्टेप बाय स्टेप खोल लेते हैं। देखिए कितना हमारा ये बोर्ड यहाँ पे, ये हमारा छोटा सा मदर बोर्ड है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसके, ये यहाँ पे पावर सेंसर है, यहाँ पे हमारा आता है, उसे हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमारा सेंसर खराब हो गया था, इसीलिए ऐसा रिमोट से ऑन नहीं हो रहा था, और इसे मैंने बाहर निकल दिया है। देखिए आपको अच्छी तरीके से दिखे, ISMD में आता है ये सेंसर दोस्तों। और आगे भी आपको ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ख़राब हो चुका है, और इसकी जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इसे साइड में रखता हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टीवी का सेंसर यहाँ पे लगाया हूँ चेक करने के लिए, और चलेगा तो यही रहने दूंगा। और आपके सामने मैं यहाँ से ऑन करता हूँ। इसका वायरिंग देखिए, मैंने कार्ड में से देख के इसका वायरिंग यहाँ पे लगाया हूँ, और ये हमारा यहाँ से 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया, और ये हमारा ग्राउंड यहाँ पे हो गया, और ये IR के लिए हो गया। अब हमारा वर्किंग में अच्छे तरीके से LED आ चुका है। आपको मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ यहाँ से एक बार, फिर मैं LED को पैक करके आपको इसका वीडियो दिखाता हूँ। और दोस्तों ऐसी LED ना खरीदे, ऐसी LED खराबी आती है दोस्तों, असेंबल पूरी असेंबल आती है। और यहाँ पे देखिए इसे ऑन करता हूँ रिमोट से, देखिए रिमोट से ऑन किया है, और यहाँ पे आप डिस्प्ले में देख सकते हैं यहाँ पे लाइट आ चुकी है। अब मैं पहले
इस एलईडी को पहले फिट कर लेंगे, उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा। और इसका कार्ड भी आप देख सकते हैं, शायद यहाँ पे देखिए कितना छोटा इसका कार्ड है दोस्तों, देख सकते हैं। और हमारा प्रॉब्लम रिमोट का था, यहाँ पे देखिए हमारा रिमोट वर्क में आ चुका है। अब मैं पहले एलईडी को पैक कर लेता हूँ और ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सेंसर को मैंने लगा दिया है और लगाने के बाद, और यहाँ पे इसका फ्रेम बिठा दूंगा सही तरीके से। पहले इसको स्क्रू को स्टार्ट कर देंगे और फिर आपको वीडियो को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए टीवी को ऑन किया हूँ और यहाँ पे रेड लाइट चल चुकी है। और यहाँ से रिमोट से ऑन बटन को प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने टीवी ऑन हो चुका है। देखिए इसमें प्रॉब्लम ये था सेंसर का, और कुछ फॉल्ट नहीं था इसमें। अब आपके सामने मैं वीडियो चला के दिखाता हूँ। देखिए इसका कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे नाम नहीं है, क्योंकि ये लोकल है, लोकल आप मत खरीदे। देखिए आपके सामने हमारी एलईडी ओके हो चुकी है। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, जैसे करीना सारा सारा वीडियो लाते रहे। थैंक यू।